और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बार देश की पहली लेडी ऑफ सियाचिन के नाम से मशहूर हो चुकी कैप्टन शिवा चौहान की करेंगे, जिन्होंने वहां रहकर 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी साल 2 जनवरी को कैप्टन शिवा की सियाचिन में फायर एंड फ्यूरी सपोर्ट टीम में तैनाती हुई थी। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन, वो इलाका जहां बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां चलने वाली बर्फीली हवाएं हड्डियां तक गला देती हैं। यहां सालों भर कुदरत अपना सबसे खौफनाक रंग दिखाती है। उस सियाचिन में हिंदुस्तान की वीरांगना कैप्टन शिवा परचम फहरा रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन, यहां शून्य से करीब 50 डिग्री नीचे होता है औसतन तापमान। बर्फीले तूफान शुरू हो जाएं तो ये करीब 3 हफ्ते तक लगातार चलते रहते हैं। यहां सालों भर औसत करीब 36 फीट बर्फबारी होती है। ऐसे मुश्किल हालात को शिवा के हौसले ने बौना साबित कर दिया। ये बहुत हर्ष, उल्लास और गर्व का विषय है कि कैप्टन शिवा चौहान, इंडियन आर्मी की महिला कैप्टन ने अब सियाचिन में 100 दिन की टेन्योर पूरी कर ली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सियाचिन की पहाड़ियों में इतनी ऊंचाई पर ठंड इतनी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है, खाना इतना सिंपल खाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर हर वक्त दुश्मन से हमला होने का खतरा रहता है। ऐसी हालात में कैप्टन शिवा चौहान अपने परिवार से दूर हिमाचल की विहंगम ऊंचाइयों पर हमारे देश के दूसरे बहादुर नौजवानों के साथ 100 दिन रही हैं। ये भारत की महिला शक्ति की बहुत बड़ी कामयाबी है। काराकोरम की बर्फीली पहाड़ियों में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये वो इलाका है जहां चलना फिरना, उठना बैठना तो दूर, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऐसे मुश्किल हालात में शिवा ने 3 महीने से ज्यादा का वक्त बिता दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि एज ए महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को पल पल पर अपने जवानों के साथ खतरों का सामना करना पड़ा होगा। उनको लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पर जाना पड़ा होगा, जहां पर कि गहरी बर्फ की खाइयां होती हैं, उनमें उतरकर फिर से वापस चढ़ना महिलाओं के लिए क्या, एक पुरुष के लिए भी बहुत ही कठिन काम होता है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये मिसाल कायम की है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। कैप्टन शिवा सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की सदस्य हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉप्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है, साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। इसी के चलते कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन की कुमार पोस्ट पर तैनाती मिली। कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम पंक्ति की चौकी है। ये उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। कुमार पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कुमार पोस्ट पर पारा दिन में भी -21 डिग्री के आसपास रहता है। भारी बर्फबारी के चलते यहां सैनिकों को राशन पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए सियाचिन एक बेहद अहम मोर्चा है। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है तो वहीं दूसरी तरफ है चीन। सियाचिन की जो पहाड़ हैं वो 11,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक हैं। चप्पे चप पर मौत का खतरा मंडराता है। वहां पर रात के समय टेम्परेचर -10, -20, -30 डिग्री चला जाता है। हवा और तूफानी हवाएं चलती हैं, जो कि किसी भी वक्त एक मनुष्य को उड़ाकर किसी भी गहरे खाई में गिरा सकती हैं। वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। कई बार तो ऑक्सीजन की कमी और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से जवानों के या अफसरों के फेफड़े में पानी भर जाता है।
इसके अलावा वहां की जो पहाड़ हैं उनमें किसी भी वक्त बर्फ का तूफान यानी स्नो एवलेंश आ सकता है। सियाचिन वो जगह है जहां कुदरत हर पल इम्तिहान लेती है, हर पल हौसले की परीक्षा होती है। यहां चुनौतियों को झेलने के लिए अकूत हौसले और अक्षुण जज्बे की जरूरत होती है। आज कैप्टन शिवा देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। उन्होंने उदयपुर से अपनी स्कूलिंग की। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री है। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन फिर भी हौसला नहीं खोया। बचपन से ही कैप्टन शिवा ने सेना में आने का सपना संजोया था और इसके लिए उन्होंने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कड़ा प्रशिक्षण भी लिया। मई 2021 में उन्हें सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन किया गया। सियाचिन में तैनाती से पहले कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें दिन में कई घंटे बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया जाता था। हिमस्खलन में अपना और साथियों का बचाव करने के तरीके भी उन्हें सिखाए गए। कई तरह के मुश्किल हालातों में सहन शक्ति की परीक्षा भी ली गई, तब जाकर उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। आज कैप्टन शिवा 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। यानी हम और आप महफूज हैं, तो इसमें हमें शिवा के जांबाज कंधों का भी सहारा है। कड़ाके की सर्दी में जब हम घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो कैप्टन शिवा चौहान इसी बर्फीली दुर्गम इलाके में देश के लिए मुस्तैदी से दिन रात अपना फर्ज निभाने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।